जी दोस्तों सलामत आप नमस्कार। देखिए कोरियन कंपनी है, बहुत ही जबरदस्त और तुरंत आपका वीजा आया है, क्लाइंट इंटरव्यू है, बहुत ही अच्छा मौका मिला है जिसमें सटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर, मेसन, एसी टेक्नीशियन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, स्टील फैब्रिकेटर और फर्नीचर कारपेंटर चाहिए। सैलरी लिखा है इंडिया का लगभग लगभग 34,000 है, फर्नीचर कारपेंटर का 30,000 है। 8 घंटा ड्यूटी है, 20 से 42 साल एज चलेगा, पासपोर्ट आपका कोई भी रहे चल जाएगा। दोस्तों ये मेरे ऑफिस का नंबर है 7880600477 और दूसरा नंबर है 7800477729। दोस्तों तो सलाम आदाब नमस्कार मेरा कबूल करिए और देखना शुरू कर दिए हम परफेक्ट ग्रुप। जो साथी बात करना चाहते हैं एक बार वीडियो को शेयर करें ताकि हम आपसे बात कर सकें। एनडी अशरफ भाई सबसे पहले आपने शेयर किया है, सबसे पहले मैं आपको कॉल भी लगा देता हूँ और देखते हैं कौन कौन से साथी जो है बात करना चाहते हैं। अशरफ भाई मैंने लगाया लेकिन लग रहा है फेसबुक आपका जो है अभी नहीं है, दूसरे साथी को भी हमने दिया है। एक बार आप वीडियो को शेयर करिए ताकि हम आपका नाम ले सकें, आपसे बात कर सके। दोस्तों आपके आपसे बात करने के लिए आया हूँ, कई दिनों के साथ बात किए हुए। जी नमस्कार भैया, क्या हाल चाल है? हेलो हेलो, नमस्कार भैया, क्या हाल चाल है, कहाँ बात कर रहे हैं? भैया आए थे कोलकाता से, जो काम कराए थे उसमें तो नहीं हुआ। क्या फिर बोला एसी टेक्नीशियन का। पूरा काम मालूम है ना आपको? जी जी इंटरव्यू तो दिए थे जो कलकत्ता से आए थे। हाँ कोरियन का एचआर नहीं आया था उस दिन ना, तो एचआर बोल रहा है कि अपने सामने एक बार देखूंगा, ठीक है आइए, लेकिन देखिएगा पूरा काम मालूम रहे, नहीं तो आपका किराया भाड़ा नुकसान होगा, जान लीजिए। समझ रहे हैं, कितने साल से काम किए हैं आप? 4-5 साल से काम किए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, आप आइए, इंशाल्लाह आपका काम जरूर हो जाएगा मंटू भाई, अगर आप काम किए हैं तो। और कोई साथी है जो बात करना चाहते हैं? आजाद मोहम्मद साहब मैं आपको लगा रहा हूँ। 153 साथी हमारे देख रहे हैं, बहुत लोग जानते नहीं कैसे शेयर करना है। बगल में देखिए लेफ्ट साइड में ऐसे तीर आ रहा होगा, तीर को दबाइए और शेयर बटन दबाइए और कॉल मी करके लिखिए, मैं तुरंत बात कर रहा हूँ। दीपक भैया हमारे शेयर कर चुके हैं, मैं आपको भी लगा रहा हूँ दीपक भाई। और जी सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहाँ से बात कर रहे हैं? हरियाणा मेवात से। अच्छा अच्छा क्या काम करते हैं मेरे दोस्त? जी मैं इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम करता हूँ नोएडा में। अच्छा अच्छा क्या काम करना रहता है उसमें? इसमें मोबाइल बनता है, जियो, लावा, कार्बन, मेट्रोला, ये सब फोन बनते हैं। पूरा मोबाइल बना लेते हैं आप? हाँ हाँ। रिपेयरिंग करते हैं नया बनाते हैं? नहीं नया बनता है यहाँ पे, शुरू से इनपुट से आउटपुट तक पूरा प्रोसेस यहीं पे होता है। तब तो आपको तो मोबाइल बड़ी सस्ता मिलता होगा यार। हमें मिलता नहीं है, डायरेक्टर मिलता नहीं यहाँ से। क्या बात कर, आप मोबाइल बनाते हैं, आप कारखाना से बहुत महंगा दुकान पे बिकता होगा, तो आपको तो सस्ता ही मिलता होगा ना? यहाँ से नहीं मिलता किसी को, सिर्फ यहाँ बड़े बड़े बाहर विदेश जाता है फोन यहाँ से। अच्छा कोई एक आग पीस खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकता है? नहीं नहीं ऐसा नहीं, और जिस कंपनी का फोन बनता उसका तो एंट्री नहीं है इसमें। अरे बापो बाप, यह बात है, देखिए जो बना रहा है वही नहीं खा सकता है, सब सिस्टम है। और कोई साथी है जो बात करना चाहते हैं, वीडियो को शेयर करिए ताकि मैं बात कर सकूं। हमारे एक भैया थे शेयर किए थे, कहाँ गए आप, एक बार और शेयर करिए, मैं ढूंढ रहा हूँ आपको, देखिए लग रहा है कहीं गुम हो गए हैं। एक बार और शेयर करिए मेरे भाई, कहाँ गए, शेयर तो किए थे। हाँ दीपक भाई, हाँ मिल गए दीपक भाई, आपको मैंने कॉल लगाया है। सनुल्ला साहब एक बार शेयर करिए, रोहित भाई भी शेयर आप भी करिए, कमलेश कुमार साहब जी भैया नमस्कार, दीपक भाई क्या हाल चाल है? दीपक भाई आवाज आ रही है मेरी? हेलो, देखिए कृष्णा भैया भी हमारे शेयर कर चुके, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। राजू भैया आप भी एक बार शेयर करिए। दीपक भाई आपका नेटवर्क लग रहा है कम है, देखिए कट भी गया। और कोई साथी हैं जो बात करना चाहते हैं? रामू भैया भी हमारे सऊदी से देख रहे हैं, रामू भैया
सऊदी के बारे में बताइए, आपको कॉल लगाया हमने, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया है। सूरज भैया भी शेयर कर दिए। जी भैया नमस्कार। रामू भैया नमस्कार। नमस्कार सदाम भैया, कैसे हैं? बढ़िया है, लेकिन बड़ी अंधेरा, कुछ दिख ही नहीं रहा है, कहाँ पता नहीं हमारे है फोन है ना, ठीक है आप ना? तो? हाँ दिखे, अभी तो दिखे हैं रामू भैया। और क्या हाल चाल है? बस बढ़िया। कोई बोल रहा फर्नीचर कारपेंटर का गार्ड नहीं आ रहा है क्या? फिनिशिंग फर्नीचर आया तो है महाराज, 15 तारीख को क्लाइंट इंटरव्यू है, 10 दिन का 15 तारीख की? वीजा, 15 तारीख अच्छा, को कहाँ के? कहाँ दुबई, के? अच्छा, दुबई दुबई। दुबई का है। हाँ बहुत ही अच्छा कंपनी है, बहुत ही अच्छा, अच्छा। इसमें हमारे कम से कम नहीं तो 100 से ऊपर ही आदमी काम कर रहे हैं, और किसी तरह का दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। चलिए आप बढ़िया है। सऊदी में कौन 15 सी जगह है? मैं सऊदी जेद्दा में हूँ। हाँ जद्दे में है। हाँ, जेद्दा में जद्दा का मौसम कैसा है भैया? हम बहुत तो बढ़िया आए थे, क्लाइमेट इतना है। अच्छा बारिश हो रहा था, इतना बारिश हो रहा था, बरसों में हम भी चले आए थे। हाँ हाँ, तो हम जो मतलब जद्दा से 100 किलोमीटर इधर है ना, लेकिन जद्दा में हम लोग आते हैं मार्केटिंग करने के लिए, जद्दा ही जाते हैं, ठीक ना? इंडिया हाँ, में कहाँ घर पड़ेगा भैया आपका? तो इंडिया, बिहार, गोपालगंज। गोपालगंज तो आप बगले के हैं हमारे, गोपालगंज में कहाँ है हाँ, गाँव? गोपालगंज में लाइन बाजार। अच्छा, कितने साल से आप हाँ, काम कर रहे हैं भैया सऊदी में? सऊदी में हमारा 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। हाँ, 10वां साल मतलब चल आदमी, रहा है। हाँ आदमी सोचता है विदेश जाके खूब पैसा कमाएंगे, घर आके कोई हाँ बिजनेस कमाए करेंगे विदेश छोड़ के, तो कुछ हाँ अभी बचाए हैं थोड़ा कि नहीं 10 सालों में? नहीं, अभी तो बनाए हैं, ठीक ना? थोड़ा घर और बनाए, उसको कंप्लीट हो गया है, ठीक कुछ ना? बचाए कि नहीं पैसा, उसका कि पैसा रिटायर होके जब जाएंगे तो उसी को लेके आराम से थोड़ा आदमी टेंशन फ्री काम करेगा? हाँ, वो जो बचा कुचा रहेगा वही काम करेगा। कहाँ कुछ बचाए कि नहीं 10 साल में अभी तक? बचाएंगे? शादी ब्याह में, घर द्वार बनाने में सब निमट गया। सब बराबर हो गया, आपसे बचाइए वही काम आएगा बुढ़ापे में। हाँ, अब जो कमाएंगे वो सेफ होगा अपना। सेव करना है, जान लीजिए, समझ रहे हैं? नहीं देखिए, मैं गलत बोला रहा हूँ भैया तो बताइएगा। पैसा नहीं, आपके एकदम पास बात रहेगा सही। तभी घर आएंगे तो इज्जत है, नहीं तो घर आते ही पता चला अलगे बाउंड्री स्टार्ट हो गया। वो तो बात सही है, ठीक है ना? सऊदी वाले एकदम ऐसे ही बदनाम रहते हैं, चुरा कर रखेंगे तो बदनाम है, नहीं चुरा कर रखेंगे तो बदनाम है, गल्फ सही वाले। बात है, एकदम सही है बात है, जान लीजिए। और ड्यूटी ना? कोई देखता ही नहीं कि कितना हार्ड मेहनत करना पड़ता है, कैसे ड्यूटी का हाँ, टाइम कैसे क्या है आपका, एक बार बताइए आप लोगों को। ऐसे समझते हैं कि सब यहाँ पेड़ लगा हुआ, हिला के भेज देना कितने बजे से है ड्यूटी ना? स्टार्ट होता है, कितने घंटे काम करते हैं, एक बार बताइए लोगों को, कितना सुबह मेहनत करते हैं आप? सुबह 7 बजे से ड्यूटी स्टार्ट होता है, कभी 4 बजे तक, कभी 6 बजे तक, है पूरा ना? जगना एकदम जगना 5 बजे पड़ता है, ठीक सही बात है, नहीं तो ड्यूटी ना? नहीं पकड़ा पाएगा। ड्यूटी, हाँ, नहीं तो ड्यूटी अगर नहीं सुबह जाएगा तो फिर ड्यूटी तो भैया फिर आज के लिए अलविदा कर देंगे, है सही ना? बात है, सही बात है, सही बात है भैया। राम भैया बहुत अच्छा लगा बात करके, देखिए फर्नीचर कारपेंटर का भी है, बहुत ही अच्छे कंपनी में आप आ जाए। दुबई जाने में कितना खर्च आता है दिलवार भाई? बहुत ही कम आता है मेरे भाई, बहुत ही कम है उसका, मतलब मैं बोल नहीं सकता, मैं वीडियो मांगे तो देख सकते हैं। आई एम सो डाउन भाई, वियतनाम वीडियो, मोहम्मद मुमताज भाई हैं, वियतनाम से देख रहे हैं। सत्येंद्र भैया नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने वीडियो को शेयर किया है। हेलो मुमताज भाई, सलाम अलैकुम। वालेकुम सही सही अस्सलाम सद्दाम भाई, सही भी इतना से देख रहे हैं कि झूठे महाराज कह रहे हैं। भाई क्या बताएं, ये बहुत मजबूरी में है, मार्चिंग आ रहे आपके ऑफिस से, मैं जाएंगे। वियतनाम में कैसे पहुंच गए? ओ सद्दाम भाई, बहुत मुसीबत में, दूसरी कंट्री के भी एक दुबई से मैं आया थे कोरोना से पहले, वहां से फिर इंडिया है तो कोरोना हो गया तो मैं जा नहीं पाया। अभी यहाँ पे से जहाज लाइन के काम में आया, यहाँ पे दिक्कत बहुत है, तो इसलिए बहुत आदमी यहाँ पे 40-50 आदमी इंडिया आया था।
ए महाराज, इंडिया का सुनिए, इंडिया का 1 रुपया वियतनाम में 290 रुपया होता है, वहां का पैसा जिसको डोंग कहते हैं, वियतनामी डोंग। यहाँ का सदम भाई हाँ वो तो मालूम ही है, तो वहां कितना पैसा कमाते हैं? अभी तो सैलरी हम लोग को 400 डॉलर बोला था, अभी 300 डॉलर हम लोग को मिल रहा है, उससे 25,000 बच रहा है, तो अभी ओवर टाइम भी नहीं चल रहा है। क्या काम करते हैं आप? यहाँ पे हम लोग वो गलेंडर चलाते हैं, जो जहाज सीप बनता है ना उसी में गलेंडर हम लोग से मरवाते हैं। ऊपर में यहाँ पे भाषा का बहुत प्रॉब्लम है ना, यहाँ कितना दिन हो गया गए पे हुए? इसीलिए अच्छा, सब 1 साल हो गया सब बन रहा कितने दिन के बाद घर आने के लिए देते हैं सब? है। इधर तो कोई है नहीं है कि जब मर्जी तक जा सकते अच्छा, कितना दिन रुकना है अभी? और हैं। नहीं, 2-3 महीना और हमको रुकना है, यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत है, क्योंकि यहाँ पे बदन में एलर्जी बहुत होता है, खाने पीने का प्रॉब्लम बहुत ये हमारा समुद्र के किनारे तो है, थाईलैंड के कंबोडिया बगल में। घूमे नहीं है। क्या हाँ यहाँ वियतनाम में पे कभी? नहीं, पहाड़ी वाड़ी एरिया नहीं? वियतनाम में घूमे हैं यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम बहुत है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन कोई सामान नहीं आता है, यहाँ दवाई वाई कोई चीज नहीं आता है, इसलिए वियतनाम घूमे सप्लाई नहीं कहीं? कंपनी घूमे को नहीं नहीं। कहीं? घूमे हैं तो हनोई वनोई जो है सराय गली घूमे हैं, वो जब आसपास में हम लोग 2 घंटा आया नहीं जाना पड़ता है, यहाँ पे मुस्लिम कम है ना। 2 घंटा जाते हैं। चलिए ठीक है हाँ मुमताज भाई, अरे बहुत बहुत इसलिए शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया है। और कोई साथी बात करना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को शेयर करें, कोई भी साथी बात करना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को शेयर करें ताकि हम जो है आपसे बात कर सके। सुनील कुशवाहा साहब शेयर किए, एग्जामिनेटर ऑपरेटर का आएगा भैया, वेट करें। सतेंद्र भाई शेयर किए वीडियो, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं और कौन कौन साथी हैं। एमडी इरफान साहब जो है मैं आपको लगाया हूँ कॉल, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आपने शेयर किया है वीडियो। इरफान भाई कॉल जी, इरफान भाई सलाम वालेकुम। हेलो हेलो इरफान भाई, आवाज आ रही है मेरी? और कोई? इरफान भाई आवाज आ रही है? हेलो हेलो इरफान भाई कट गए हमारे। अली मोहम्मद साहब आपको मैं लगाया हूँ कॉल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है वीडियो को शेयर किया है जी। अली भाई सलाम वालेकुम, कहाँ वालेकुम अस्सलाम, सलाम अलैकुम से सदा बात भाई। कर रहे हैं? हेलो, हाँ हम तो कुवैत से बात कर रहे हैं। अच्छा कुवैत में कौन से कंपनी में है? गल्फ इंजीनियरिंग कंपनी है। अरे रे रे, इसमें तो हम भी आदमी भेजे थे यार गल्फ इंजीनियरिंग में, बहुत ज्यादा। अरे सदा भाई, एक क्या बोलते, एक आदमी भेजा था काम के लिए आपके पास, आपने उस लड़के को फंसा के मतलब उसका काम नहीं कराया तो नहीं कराया आपने। या तो इंटरव्यू देना है ना, आप मेरे ऑफिस से गए, दूसरे का ऑफिस पे गए गल्फ इंजीनियरिंग में? आप, अरे सदा भाई, मैं तो कहीं और से गया था, लेकिन आपके यहाँ मैं आदमी भेजा था, मैं अपने भांजा को भेजा था आपके नहीं, पास। किसी को भेजिए मेरे भाई, देखिए आप लोग किसी को भेजेंगे उसको इंटरव्यू पास करना है मेरे दोस्त, समझ रहे हैं? जब तक अगला इंटरव्यू मेरा सगा भाई है, जाना जाता है, उसको इंटरव्यू पास करना है तभी जा सकता है, जान लीजिए, नहीं पास कर सकता है नहीं जा सकता है। क्लाइंट है सबको, देखिए मैं आप लोग सारे लोगों से बताता हूँ, इस पर नाराज होने कोई बात नहीं है, मेरा सीधा सीधा काम है मेरे भाई, कोई फंसाने वाला नहीं, कोई झूठ बोलने वाला नहीं। कंपनी से सीधा क्लाइंट आया, मैंने वीडियो डाला और लोग जो उनको जाना चाहते हो वो आए, इंटरव्यू किए, क्लाइंट को जिसको अच्छा लगा, जो उसके अंदर तजुर्बा हो ठीक है, भले ही वो मुझे ना जानता हो, बहुत दूर से आया हो, कोई माने मतलब नहीं है, इंटरव्यू में पास हो गया उसका काम हो जाएगा ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए, अगर आप रियल में यहाँ इंडिया में भी कामयाब होना चाहते हैं, विदेश में भी आप चाहते हैं कामयाब होना, तो आपको अपने हुनर को ही बेहतर करना होगा, अपने हुनर को ही बेहतर करना होगा, तभी आपका काम होगा। होता क्या है, सपोज करिए
इलेक्ट्रीशियन का इंटरव्यू चल रहा है और उसको 20 30 50 100 जो भी आदमी चाहिए ले रहा है इंटरव्यू, समझ रहे हैं। लेने के बाद क्या है, किसी को ए ग्रेड देता है, किसी को बी ग्रेड देता है, मतलब किसी को पहले नंबर पे रखता है, किसी को दूसरे नंबर पे रखता है, किसी को तीसरे नंबर पे रहता है। ऐसा नहीं हो कंपनी वाला हमारे पास इंटरव्यू करेगा, उसको आदमी कब पड़ेगा, पूरे इंडिया में इंटरव्यू करता है। फिर क्या सोचता है कि ये जो ज्यादा काम नॉलेज वाले हैं उनका हम पहले वीजा निकाले, फिर दूसरे वालों को निकाले, दूसरे के बाद हमारे पास नहीं हो पाते तो तीसरे नंबर का वीजा निकाले। आइए दिलवार भाई मिलते हैं। और शाह सदान शाह साहब सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो को शेयर किया है और मैं कॉल लगा रहा हूँ आपको। अजीत मौर्या साहब भी हमारे शेयर किए हैं वीडियो को, अजीत भाई आपको भी कॉल लगा रहा हूँ। अजीत भाई नमस्कार, हाँ कहाँ देख रहे हैं आप? नमस्कार नमस्कार, हम तो कुवैत में हैं। आप भी कुवैत से ही देख रहे हैं, कौन से कंपनी में? हम तो अलहलिया अलहलिया में आपका गया था ना इंटरव्यू। ये मारा अलहलिया में कितने आदमी हम लोग भेजे थे वो? अलहलिया में हम इधर से हम आप भेजवाए थे आपको फोरमैन को, उसको बोल के तो उधर में जाने के बाद थोड़ा थोड़ा एक बात सा बताइए, मतलब। सुनिए ना, जो आदमी हाँ इंटरव्यू लेने के लिए आया था क्या उसको कंपनी से निकाल दिया गया क्या, जो ऐसे टकला थे टोपी लगाते थे? देखिए इधर में क्या है ना, सिस्टम अलग है। जैसे नहीं, हम कोई क्या कह रहे हैं, और जो हाँ आदमी आपको मालूम है कौन इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पे आया था? नहीं मालूम है ना? हाँ नहीं मालूम है, केरला वाला गया था हमारा वो दोस्त है ना, हम भी फोरमैन है इधर का, वो भी फोरमैन है। तो अभी वो कंपनी में जॉब कर रहे हैं कि निकल गए हैं? नहीं, वो कंपनी कंपनी में है अभी, दूसरा साइड पे। नहीं आपको नहीं मालूम ना, जानते क्या हुआ था, वो हाँ जिस कंपनी में कुवैत में पहले काम करते थे उसी के रिटर्नर कुछ आदमी आ गए थे, सुनिए कहानी, उसी के रिटर्नर हाँ आदमी आ गए। आप क्या किए, रिटर्नर सुनिए, आप वो क्या किए कि जो वैसे आदमी थे जो उनके कंपनी में नहीं काम किए थे उनका तो दबा के खूब टेस्ट लिए, आज जो उनके कंपनी में काम किए थे सिर्फ उनका वीजा दे के ओके कर दिए, वीजा या आदमी गए वहां काम ही नहीं कर पा रहे थे, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। नहीं, अभी वो मान था जो आदमी लेके आए ना, आए थे नहीं वो। नहीं वो एजेड आदमी थे, एजेड आदमी थे। हाँ हाँ फिर बाद में मतलब हमको फोन किए सद्दाम भाई यार आपके वजह से मेरी नौकरी चली गई। हमने कहा यार मेरी वजह से कैसे चली गई, मैंने क्या गलती कर दिया? बोले नहीं यार सद्दाम, वो मैं जो आदमी चुन करके लाया था इधर काम नहीं कर पा रहे थे, कंपनी वाले मेरे को जॉब निकाल दे। हम कहे मेरी क्या गलती है, मैंने आदमी खड़ा किया, आप इंटरव्यू ले रहे हो, जिसको जो जीरो उसको हीरो बना दो, हमारी गलती तो है नहीं। बोला हाँ यार सद्दाम हमसे गलती हो गया, उसी कंपनी में पहले मैं दूसरे कंपनी में था इंजीनियर सुपरवाइजर, तो अभी मैं चेंज होकर इस कंपनी में आया हूँ, सैलरी बढ़ गई थी, तो पुराने वाले कंपनी के कुछ लोग आ गए, काम के बारे में मैंने अच्छे से चेक नहीं किया, मैंने सोचा कर लेते होंगे, यहाँ पे कर ही नहीं पा रहे थे, बेचारे की दिल चली गई। और कोई साथी है जो बात करना चाहते हैं? ललन भैया हमारे बात करना चाहते हैं, ललन भाई आपको भी लगा रहा हूं मैं, ललन भाई लगाया हूँ आपको कॉल में। जहान राजा साहब आपसे मैं बात करूंगा, ललन भैया उठाइए, ललन भैया लग रहा है कहीं बिजी हैं। जहान रजा साहब आपको भी मैंने कॉल किया है, और कोई साथी है जो बात करना चाहता है? हेलो जी भाई साहब सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, कहां से आप देख रहे हैं? हेलो, अरे बोल दीजिए हेलो महाराज ईजान साहब, हेलो, सलाम वालेकुम। वाले सलाम, अभी तक सोच रहे थे आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, किसी और से बात कर रहा हूँ क्या? अच्छा, और सब ठीक है ना सद्दाम भाई? बढ़िया है, कहाँ कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अभी हम यहाँ से बात कर रहे हैं, यहाँ कहाँ मलेशिया पड़ता से। है, कहाँ से? मलेशिया से मलेशिया में क्या काम कर रहे हैं महाराज? मैं यहाँ पे इसका काम कर रहा हूँ, पम आयल का। अच्छा प्लांटेशन वाले में क्या? जी, शाम निकलते ही नहीं, शाम दर्शन बहुत होता साफ है? निकलता है, बहुत साफ निकलता है अच्छा इधर। कितना रिंगिट जी, उठा लेते हैं, हमने भी तो बहुत आदमी भेजा है।
जी हम बहुत लोग का यहाँ आदमी, पे और जी मानेंगे नहीं, उसमें जानते हैं फ्री रिक्वायरमेंट था और लगभग जी लगभग फ्री में हम लोगों ने 300-400 आदमी को भेजा था, एक भी रुपया नहीं लेना था। कंपनी हमको वहां का जी 500 रिंगिट दे रही थी एक आदमी के पीछे। जी और हम लोग से लिया था लगभग 80,000 रुपये, जो एजेंट जो था हम लोग से 80,000 रुपये लिया वो। कौन सी ऑफिस से चले गए यार 80,000? वो तो कंपनी बिना टिकट पर सब फ्री देती है। ये जो ऑफिस जो है यहाँ पे है कोलकाता में है ये। बताइए यार, 80,000 तो बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा हो गए यार। बहुत ज्यादा ले लिया है और यहाँ पे आकर कौन के अभी से हम लोग को मिल आप जी पूछिएगा, जो पुराने आदमी होंगे पूछिएगा कि भाई आए हो परफेक्ट रूप से, तो बताएंगे कि हाँ हम लोगों से कोई पैसा नहीं लिया गया था। यार जब कंपनी जी 500 रुपया दे रही है हमको तो क्या जरूरत है लेने के लिए। जी 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 और बताइए कैसा काम चल रहा है? काम तो अभी सद्दाम भाई अभी हम लोग का बहुत अच्छा हो रहा है, काम में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है और कि ड्यूटी है हम लोग का, 8 घंटे का ड्यूटी है और महीने का जो आता है सैलरी वो 1600 रुपये 1800 रुपये ऐसे करके आ रहा है महीने का। हम जिस समय भेजे थे उसमें सिर्फ 1500 जो है रिंगिट कंपनी सैलरी देती थी, फिर नहीं तो हम सुनने लोग में आया कि का नहीं 1600 आप कर दी है कुछ दिन बाद। जी, अभी हम लोग का जो जुमे के दिन जो काम ये जो होता है हम लोग का, तो उसमें हम लोग को मिलता है ये लगभग 200 ऐसे, लगभग 70 या 80 ऐसे कुछ होगा, तो सब मिला करके हम लोग को मिलता है 1800 रुपया महीना, ये मिलता है हम लोग को महीने का। आ खाना होना खाना होना सब अपना खाना पड़ेगा, तो कितना भेज लेते हैं घर पे? भेज देते हैं महीने का लगभग 1400 रुपया घर भेज देते हैं। 20,000 के आसपास है, उससे भी कम? जी, हाँ नहीं 20,000 22,000 रुपया भेज देते हैं घर महीने का। तो आपको तो 5-6-7 महीना कर्जा भरते ही लग गया होगा यार ब्याज के साथ। जी, हाँ ये तो बात बराबर है। कितना दिन हुआ गए हुए? अभी हम लोग का आने का लगभग 6 महीना हो गया है। अभी 6 महीने हुआ गए हुए? जी, 6 महीना हुआ है। चलिए ठीक है, और बताइए ठीक है बस इंडिया ठीक में है। कहाँ कहाँ सदाम पड़ेगा राम आपका? भाई मेरा घर ये यहाँ पड़ेगा बिहार पड़ेगा कहाँ? पूर्णिया जिला। खगड़िया? पूर्णिया के आप रहने वाले हैं? चलिए जी ठीक है, जी बात करके बहुत अच्छा लग रहा है साहब। सलाम वालेकुम, दुआ आप याद रखिएगा, दरखास्त है। और जो है छोटू भाई हमारे हैं, आपसे भी बात करता हूँ छोटू भैया। देखिए मैं फिर से कहाँ गए हमारे छोटू भाई, कहाँ गए? एमडी इरफान साहब हैं, आपसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। इरफान भाई सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, लग रहा है कुछ नेटवर्क में इशू है, बात ही नहीं हो पा रहा है इरफान भाई से। और कोई साथी जो बात करते कर सकते हैं, एक बार वीडियो को शेयर करें। आप कोई साथी है जो बात करना चाहते हैं? मैं वेट कर रहा हूँ मेरे भाई, आप वीडियो को शेयर करें तो मैं आपसे एक बार बात करूं। कोई नहीं है, कोई तो शेयर करिए मेरे दोस्त। ठीक है दोस्तों, फिर कल इसी टाइम लाइव पे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं। बाकी 15 तारीख को आप लोग ज्यादा से ज्यादा आदमी आइए, इंटरव्यू देंगे, अपने आप को साबित करेंगे, आपका तुरंत काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।